ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर लगातार राजनीति भी गरमाती जा रही है। कई राजनीतिक दलों ने गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस एसोसिएशन के रिटायर्ड अध्यक्ष एनसीबी के बचाव में उतर आए हैं। दिल्ली पुलिस एसोसिएशन के रिटायर्ड अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि ये जो आर्यन खान को लेकर प्रकरण चल रहा है, इसमें बड़े बड़े नेता और अधिवक्ता लाइन अप हो गए हैं। जांच करने पर डिपार्टमेंट पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। ये सब इस तरफ इशारा कर रही है कि इस तरह की कुछ चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, क्योंकि ये पूरी लड़ाई पैसे के बल पर लड़ी जा रही है। अगर इसके तह तक जाया जाए तो बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। जो फिलहाल प्रकरण चल रहा है आर्यन खान को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर राजनीतिक पार्टियां कूद पड़े, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े एडवोकेट्स तमाम जो है लाइनअप हो गए हैं। जिस तरह से डिबेट्स की जा रही हैं टेलीविज़न पर, पूरे डिपार्टमेंट को एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें ये इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, क्योंकि ये तमाम लड़ाई है पैसे के बल पर, राजनीतिक ताकत के बल पर लड़ी जा रही हैं। परंतु यदि इसकी गहराई में जाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर भी आएंगी। शाहरुख खान जो एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं, जिनको बादशाह भी जाना जाता है, जिनके बेटे आर्यन आज आर्थर रोल जेल में बंद है, शाहरुख खान के खिलाफ खुद एक FIR दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में 11/11/91 को दर्ज हुई थी। ये FIR केरोसिन ऑयल की हेराफेरी, चोरी, 7/10/55 एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट से संबंध रखती है। इसका FIR नंबर 384/91 है। शाहरुख खान का नाम लेते हुए कहा कि खुद शाहरुख खान के खिलाफ भी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो केरोसिन की हेराफेरी के मामले में दर्ज हुई थी, जिसमें 40 गवाह पेश होने के बाद भी शाहरुख खान बाहर निकल गए थे।